Which of the following information will be least useful to Satinder in taking fair allocation of decision? है ना, least useful तुम्हें find out करना है, ठीक है? Satinder के लिए. Sahid's territory has shown consistently good performance in the last 3 years. Sahid's territory faces stiff competition from a well-known brand. A new territory that faces competition from two relatively unknown brands. Goodwin's territory has shown consistent result in past 3 years. Goodwin territory performance has been flat for the past 2 years. ठीक है, इसमें से कौन सा information जो है वो least useful है बताओ. सी और कोई? सी. और कोई? सर सी ही है मेरा भी. सर सी लग रहा. इसमें तो एकदम एनोनिमसली सी हो गया. और कोई कुछ नहीं बोल सकेगा? ई. ई. और चलो ठीक है, अब मुझे बताओ वाई सी. सर क्योंकि बाकी सबसे बेसिकली उनका परफॉर्मेंस तो मालूम चल रहा है. न्यू टेरिटरी से तो आई मीन इट्स नॉट रिलेटेड विद फेयर एलोकेशन, यू नो, जो एलोकेट करना है ना उसको. तो उस डिसीजन के लिए अ न्यू टेरिटरी दैट फेसेस कंपटीशन इज लाइक इररिलेवेंट इन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फेयर एलोकेशन. सो दैट्स व्हाई इट्स लीस्ट यूजफुल. सर फॉर मी यहां पे उसी टेरिटरी की प्रॉब्लम है, पर अननोन ब्रांड से ये इंटरनल प्रॉब्लम है, तो अननोन ब्रांड से ऐसा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई यू सी. अच्छा और सर मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा था कि जो बाकी के चार ऑप्शंस हैं उसमें सेंडर के पास स्पेसिफिक डेटा है हर बंदी के टेरिटरी परफॉर्मेंस और कंपटीशन का, पर सी में इसको टेरिटरी इस टेरिटरी के इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, उसका कोई ना मतलब ब्रांड पता है ना ही उसका परफॉर्मेंस पता है, तो ये इसलिए रहेगा मेरे हिसाब से. और किसी का कुछ है क्या? हम सर मतलब पिलानी के जो कलीग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे तो साइद और गॉडविन की जो सेल्स है, परफॉर्मेंस है, उनका कितना कंपटीशन है एरिया में, वो सब फैक्टर्स जरूरी है इनकॉर्पोरेट करना. और जो सी है वो थोड़ा इररिलेवेंट है कंपैरेटिवली. ठीक है चलो, मतलब ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर रीजंस भी हैं तुम लोगों के, तो इसमें ठीक है ये, क्योंकि नई टेरिटरी पे है हम लोग को साइद और गुडविन का तो डिसाइड करना जरूरी ही है. ऑफ कोर्स ठीक है चलो. तो लाल एंड सन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक और करते हैं उसके बाद सिर्फ डाउट लेंगे, ठीक है? तो लाल एंड सन्स अ फैमिली बिजनेस कंप्राइजेस थ्री डिफरेंट कंपनीज इन थ्री डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है? अच्छा, इंडस्ट्री और कंपनी में फर्क समझ में आता है कि तुम लोग? नहीं. व्हाट इज इंडस्ट्री, कोई बताएगा? जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ से फार्मिंग एग्रीकल्चर की होती है. चलो मतलब मोर और लेस तुम्हारा सही है. इंडस्ट्री जो है इट्स लाइक कोहोर्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, वो मतलब बिजनेस में जो कंपनीज होते हैं वो कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहलाते हैं.
बट ध्यान रहे इसमें इंडस्ट्री भी ना बाइफर्केट भी होता है. जैसे अगर हम ब्रॉड स्केल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें वो सब चीज आ जाती हैं जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड बिजनेस में लाई करती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या स्पेयर पार्ट्स मेकर हो या फिर सर्विस सेंटर्स, ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट हो जाते हैं. बट जब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं तो फिर ये वाला लेते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री तो पार्ट्स भी कर सकते हैं, तो हम इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं. जैसे कभी कभी तुमने एकदम स्पेसिफिकली सुनोगे ऑटो स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री, ठीक है, तो एकदम नैरो डाउन कर लिया कि जो स्पेयर पार्ट बना रहे हैं. या फिर जैसे मान लो कि हॉस्पिटलिटी हम बोलते हैं तो बहुत ब्रॉड स्केल में हो जाता है, बट अगर हम उसको बाइफर्केट कर दें, है ना, तो वो जैसे जैसे टूरिज्म है, बट लग्जरी टूरिज्म हो गया या फिर हेरिटेज टूरिज्म हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर इंडस्ट्री क्रिएट होते जाते हैं. तो इंडस्ट्री बेसिकली सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि तीन इंडस्ट्री में तीन कंपनीज हैं अलग अलग, ठीक है. चलो इस पे बहुत ज्यादा बुक तो डिफरेंट थ्री डिफरेंट कंपनीज इन थ्री डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सुंदरलाल वाज हेडिंग हिज दिस एंटायर बिजनेस फ्रॉम द इंसेप्शन. टू इयर्स अगो ही हायर्ड थ्री मैनेजर्स, वन फॉर ईच कंपनी. छगनलाल झा एज सीईओ टू लुक आफ्टर द एंटायर बिजनेस, ठीक है. छगनलाल झा जो है वो तीनों बिजनेस को लुक आफ्टर करेंगे. These three managers are reporting to CEO. However, Sudarshan Lal and his family still own the entire business, though they are not involved in day-to-day information. So Sudarshan Lal upar hai, phir CEO ho gaye aur teen aapka wo ho gaya manager ho gaye us teeno company ke. Theek hai. Now take the question. 2 years after the handing over, Sudarshan was concerned that none of the companies except one is profitable. ठीक है, ये concern है उसका कि एक ही profitable है, बाकी सब नहीं है. Which of the following information, if true, will most likely reduce Sudarshan's concern? ठीक है, ये देखना इनमें से कौन सा option अगर सही है तो Sudarshan के concern को reduce करेगा. ठीक है, we'll again have 5 options. A leading financial institution recently advised its investors to purchase the shares of the two loss-making companies in long-term outlook. The corporation's performance was stagnant for 3 years before Sudarshan handed it over to professionals. The best performing division belonged to an industry which is growing in double digit. People holding senior position have been replaced 2 years ago by fresh and young talents. The rate at which employees are leaving the best performing divisions is higher than the industry average. ठीक है, अब बताओ इसमें से. सर बी किया मैंने. बी और सर डी लग रहा है. सर लग तो ए भी रहा है, बाकी बी है मेरा पहला वाला. हाँ ए लग रहा है. आई वुड से ए. और लोग सारे नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? बहुत सारे तो केवल सुनते हो लगता है. नफीसा तुम बताओ. तो मैंने बोला ए. अच्छा ठीक है. निखिल तो मुझे बी या सी में थोड़ा कंफ्यूजन है. बी और सी. ठीक है, बी और सी. चलो मुझे अब एक एक करके एक्सप्लेन करो. जिन्होंने ए ए ए से नीचे शुरू करते हैं. ई कोई बोला है क्या? ई नहीं बोला है कोई. चलो डी किसने बोला है? एक्सप्लेन करो क्या तुम्हारा कहना था इसमें. सर मतलब अगर उसकी कंसर्न को थोड़ा लेस रिड्यूस करना है तो फिर
मतलब एक ये थोड़ा सा वो जाएगा तुम ना. उल्टा चल रही हो. कंसर्न हमें नहीं रिड्यूस करना है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा तो उसका कंसर्न रिड्यूस्ड हो जाएगा. सर तब भी हम कंसल्टिंग नहीं दे रहे हैं सुदर्शन को, हम तो ये हम आउट ऑफ द बॉक्स मतलब उस पूरे सिचुएशन से बाहर से हम देख रहे हैं. तो हमें लग रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन होता तो सुदर्शन का कंसर्न कम होगा. तो जो डी वाला इंफॉर्मेशन है कि जो 2 साल पहले रिप्लेस किया गया है फ्रेश एंड यंग टैलेंट से, इस कारण से लॉस हुआ, तो इससे उसका कंसर्न कम कैसे होगा और बढ़ जाएगा ना. क्योंकि रीजन फॉर द लॉस इज स्टिल देयर. यस सर. तो कंसर्न कैसे कम हो जाएगा बताओ. सर मुझे मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि कम करना है. हाँ नहीं कम नहीं करना है, कम हो जाएगा खुद ही ऐसा जानने से. ये वाला तो इसलिए गलत है कि इफ दिस इज ट्रू उसकी उसका कंसर्न और बढ़ जाएगा कि भाई अब फ्रेश यंग टैलेंट है, इनको कैसे बाहर निकाले, फिर सीनियर को कैसे लाए, फिर सीनियर आएगा तो वो फिर से मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर. अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो सुसाइडल हो जाएगा वो आदमी. तो इसका मतलब ना इससे कंसर्न कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा. यस सर. यस सर. वो एक्सपीरियंस लोग नहीं रहेंगे ना सर. सी बताओ, सी किसने बोला था? कौन है सी वाला? तो निहाल आई थिंक ना. निहाल या निखिल, दोनों में से कोई था. देखो सी इसलिए नहीं होगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग जो है उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है जिसका ग्रोथ डबल डिजिट है, इससे बाकी दोनों के लॉस का कंसर्न कैसे कम हो जाएगा. मतलब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इरेलीवेंट हो गया. अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आपको मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को समझाने की जरूरत है कि एक एक डिवीजन जो प्रॉफिट मेकिंग है उसके उसका प्रॉफिट मेकिंग मतलब तुम ऐसा समझ रहे हो कि चारों तरफ रिसेशन है, एक जहां प्रॉफिट मेकिंग है वहां तो हो ही रहा है, बाकी दो जगह सब लोग नुकसान में जा रहे हैं तो हम भी नुकसान में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा ना सोचना है. Yes, है ना. बेसिकली इफ दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, कंसर्न पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा. ठीक है. बी बोलता है द कॉर्पोरेशन्स परफॉर्मेंस वाज स्टैग्नेंट फॉर 3 इयर्स बिफोर सिटीजन हैंडेड इट ओवर द प्रोफेशनल्स. ये किसने बोला? बी. सर मैंने बोला था सर. क्यों सर? पहले पास्ट 3 इयर्स में स्टैग्नेंट थी तो अब तो हुई मतलब बढ़ा है. अब तो ये तुमको किसने बोला कि ये परफॉर्मेंस जो स्टैग्नेंट था ये लॉस मेकिंग था? सर स्टैग्नेंट का मतलब तो बिल्कुल वो हो गया ना, एक लाइन भी चल रहा है तो वो तो Constant. जरूरी नहीं है ना कि लॉस मेकिंग पे स्टैग्नेंट होता, हो सकता है बहुत हाई प्रॉफिट पे स्टैग्नेंट हो. स्टैग्नेंट होता रुका हुआ. अरे दो अगर ये स्टैग्नेंट भी होता तो तब भी, अगर स्टैग्नेंट भी होता तब भी मतलब ये वरी कम ही होगा ना. कम ही होगा तभी तो उसने हैंडओवर किया था बिजनेस कि स्टैग्नेंट भी है. हाँ स्टैग्नेंट भी है, इवन लॉस मेकिंग स्टैग्नेंट भी है तब भी उसका कंसर्न कम नहीं है. सही सी बात है. स्टैग्नेंट तो रुका हुआ होता है ना. हाँ तो रुका हुआ कौन बोला कि लॉस में रुका हुआ था? सर ग्रोथ होनी जरूरी है ना. अगर ग्रोथ हाँ, क्या जैसे तो? जैसे प्रॉफिट मेकिंग रहता है ना. चलो कायनात वाली बात अभी हम एक बार को छोड़ देते हैं कि लॉस मेकिंग भी रहता तब भी कंसर्न कम ही होता. स्टैग्नेंट का मतलब ये थोड़ा ना है कि नुकसान में है. स्टैग्नेंट हो सकता है कि 50% प्रॉफिट पे स्टैग्नेंट है. और सर लिखा है बिफोर सुदर्शन हैंडेड इट ओवर टू प्रोफेशनल्स. हाँ तो मतलब अब तो उसका कंसर्न कम हो जाएगा ना कि जब वो उसने अब हैंडओवर कर दी तो पहले की जो सिनेरियो था उसको देखने के बाद उसने जब हैंडओवर करी तो उसका कंसर्न कम होएगा कि मैंने अच्छे बंदे को हैंडओवर करी है तो फिर अब वो करेगा. अच्छे बंदे को कैसे? अरे बिफोर स्टैग्नेंट था, आफ्टर आफ्टर वो 2 इयर्स इसका प्रॉफिटेबल नुकसान में चली गई 2 कंपनी, तो उसका कंसर्न कैसे कम हो जाएगा? अच्छे बंदे कैसे हो गए? अरे तुम अभी अनुभव तुम बिल्कुल लॉस्ट हो लग रहा है. यहाँ से सोचो क्या बोल रहे हो. सर पिछली बार भी सर आपकी और मेरी इस पे डिस्कशन हुई थी ए और बी में. आपने बस मेरे को याद है इसमें आपने बोला था कि भी वो जो शेयर्स है उसको उसने दे दिए तो अपना एक कंपनी चलाएगा जो भी बोला था. पर फिर भी ए और बी में हुई थी सर डिस्कशन इसमें. नहीं तो वो वीडियो रिकॉर्डेड है, दोबारा जाके देखो. है ना. ये वाला बिल्कुल एब्रप्ट चॉइस है अगर आप दे रहे हो तो. क्योंकि इवन जैसे मान लो कि लॉस मेकिंग भी है 3 साल पहले से,
और हैंड ओवर करने के बाद फिर से लॉस मेकिंग रह गया, तो इससे कंसर्न तो कम नहीं होगा ना। नहीं सर, वो आप हैंड ओवर कर ही रहे हो मैनेजर को इसलिए कि वो बेटर मैनेज करे, है कि नहीं। आपने सीईओ लगाया, आपने एक आदमी का काम आप चार आदमी को दे दिया, जैसे आप अकेला देख रहे थे पहले, अब आपने चार आदमी को दे दिया, वाई यू आर वांटिंग सम ग्रोथ इन योर कंपनी, और जो भी आप चाह रहे थे कि अच्छे से मैनेज हो, नाउ यू आर सीइंग दैट कि टू मैनेजर्स और जो दो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है। तो तीन साल पहले अगर स्टैग्नेंट थी कंपनी का परफॉर्मेंस, इससे इसका कंसर्न कैसे कम हो जाएगा, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो स्टैग एक तो पहली बात तो ये कि स्टैग्नेंट का मतलब नुकसान नहीं होता है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है इवन रुका हुआ। तो जैसे मान लो कोई कंपनी 20% प्रॉफिट पे तीन साल से स्टैग्नेंट है, ऑफ कोर्स ये चिंता का विषय होता है कंपनी के लिए, वो अलग बात है, मतलब वो दूसरा केस है कि कंपनी चाहती है कि ग्रोथ होती रहे, या फिर रेवेन्यू का या प्रॉफिट परसेंटेज का किसी भी टर्म में, बट स्टैग्नेंट डजंट मीन लॉस। ठीक है, जब हम शेयर्स एक कंपनी के देते हैं किसी और को, मतलब हमारी के, तो शेयर मतलब नहीं दे रहा है ना, देखो ये मैनेजमेंट दे रहा है, तुम कैसे कह रहे हो कि शेयर दे रहा है। अरे इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट वन इज प्रॉफिटेबल, यानी कि बाकी सारे प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट्स इंप्लाइड। सर दो मिनट, a leading financial institution recently advised its investors, ye abhi a pe nahi ja rahe na, abhi hum a pe nahi ja rahe, hum b pe hain, b pehle prove karo na sir, chalo a aur b mein hi hai na, chalo hum a wala hum explain karte hain, chalo a wala pehle jisne bhi ha bola hai wo bataye kya bolna chahta hai। yes sir, sir jab ab hum dekhte hain ki this a leading financial institution advised its investors to purchase the shares of the two loss making, तो बेसिकली वही है ना, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आके आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट दे रहा है, फ्रेश मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर रिकमेंड कर रहा है, डिस्पाइट बीइंग इन लॉस, दैट मींस कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो समझ रहा है कि भले ही रिसेंट 2 इयर्स में लॉस में है, बट दिस कंपनीज आर ऑन अ ग्रोथ, वो ग्रोथ है, वैल्यूएबल है बाद में सर। हां तो ये वाला जो डिसीजन कई बार होता है, जैसे मान लो इवन मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ मैं, कि जैसे इस रिसेशन के टाइम में है ना, बहुत सारी कंपनी जो होगी जिनके रेवेन्यू या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई होगी, बट देयर ब्रांड वैल्यू एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर इज राइजिंग। तो कई सारी कंपनी जो है या कई सारे इन्वेस्टर्स जो है वो बोले कि भले ही लॉस में है ये कंपनी, बट अभी आप इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि आने वाले टाइम में राइज करेगा। So that means कि even it is these are companies are loss making, है ना, region चाहे जो भी हो, but since leading financial institution is recommending, that means there is still a growth potential या five-sightedness देख रहे हैं ना sir, हाँ five-sightedness आगे के लिए है sir, आगे के लिए फायदा है sir। जैसे अब मान लो मेरी एक कंपनी है, उसमें जो बिल्कुल वो constantly perform कर रही है, मतलब रुकी हुई है एक तरह से ही, परफॉर्म कर रही है तीन साल से, अब मैंने अगर उसको प्रोफेशनल्स को दे दिया तो मतलब मेरा तो फिर उतना उस टाइम के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इतने एक साल दो साल के लिए तो कंसर्न वो हो जाएगा ना कि हाँ मैं अब मतलब रिलीफ फील कर रहा हूँ और वो नहीं होगा। ये कुछ अलग सोच रहा है अनुभव, तुम ये देखो, स्टैग्नेंट था फिर प्रोफेशनल दिया, दो साल प्रोफेशनल ने काम किया और कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इसमें आपको चिंता हो रही है, तो इस पूरे सिचुएशन में आपकी चिंता कम कैसे हो जाएगी, सुदर्शन की चिंता कैसे कम हो जाएगी कि भाई हम तो स्टैग्नेंट छोड़े थे, ये तो और लॉस में ले आए। सर वो इन्वेस्टमेंट के बाद भी तो अभी भी लॉस में ही है ना। नहीं, बट इन्वेस्टमेंट में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेकमेंड कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये मान रहा है कि लॉन्ग टर्म वाइज दिस कंपनीज आर प्रॉफिटेबल, हेंस जब स्टॉक्स जब शेयर्स आपके लो पॉइंट पे होते हैं तभी तो बायर्स खरीदते हैं ताकि बाद में जाके उनको प्रॉफिट हो। ऐसा तो कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी, ऐसा ही थ्योरी है, स्टॉक मार्केट में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हम देखते ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं गूगल एज ए कंपनी पहले चार साल उनके पास कोई रिवेन्यू नहीं था, बट इन्वेस्टमेंट उसके पास मिलियंस में थे। इनफैक्ट कोरा एज ए कंपनी 8 से 10 साल दे नेवर हैड एनी रिवेन्यू, मतलब लॉस में ही तो चल रहे थे,
फ्लिपकार्ट हैज बीन इन लॉस फॉर मेनी इयर्स बट स्टिल क्यों वो खुश रहते थे, क्यों इन्वेस्टर्स वर ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो रिकमेंड कर रहे थे आप फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज दिस कंपनी इज ऑन राइज. तो ये दो कंपनी भले ही लॉस में थी बट सिंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एडवाइजिंग देयर इन्वेस्टर्स दैट अभी ये अनबायस्ड हो गया ना. सर ये तो इलॉजिकल बात नहीं है कि अगर कोई शेयर बहुत लोएस्ट पॉइंट पे है तो हम तभी उसको लेते हैं, ये तो हम फ्यूचर को देख के लेते हैं कि अगर. हाँ हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमेशा शेयर लोएस्ट पॉइंट पे है तो हम नहीं लेते हैं, बट अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहा है किसी शेयर को लेने के लिए. अब जैसे सर जो सीमेंट के शेयर जब बढ़ते हैं तो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि डेवलपमेंट होती है, बिल्डिंग भाई, तुम होती एक मिनट मेरी बात. इसमें और भी तो फैक्टर्स है जिसमें अकाउंट नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे लॉस मेकिंग है तो ये तो नहीं बोल रहा है ना कि इसका शेयर प्राइस लो है. हाँ और हमको नहीं पता ना कि किस चीज के लिए. हाँ. वो अभी वो स्टैग्नेंट चल रहा है या लॉस चल रहा है, क्या पता मार्केट अभी के लिए खराब है. नहीं है सिंस वी शेयर प्राइस लो है ही तो बताया नहीं, लॉस मेकिंग है ये बताया. सर मैं तो कह रही थी मैं स्टिल अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर रिकमेंड कर रहा है डिस्पाइट कंपनी बीइंग इन लॉस दैट मींस कि कंपनी का फंक्शन ऑपरेशंस एंड ग्रोथ साइकिल इज स्टिल राइट है ना. वो आगे तो सही देखा ना सर उन्होंने, कुछ तो फायदा देखा होगा ना सर. एग्जैक्टली कोई ना लॉस ये कंसर्न उसका कम करेगा. तुम दोबारा एक बार अनुभव पिछले वाला भी देखना या फिर कल डिस्कस करेंगे. जैसे भी हम लोग जैसे कोई भी कंपनी एयरलाइन वगैरह में मर्ज क्यों होता है सर लॉस मेकिंग होने के बाद भी, कुछ तो देखा होता है ना सर. देखे हाँ वो वही चीज होता है जैसे जैसे कई बार लॉस मेकिंग में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे सी पोटेंशियल इन दैट है ना. ऐसा नहीं है कि उसका शेयर प्राइस लो है. लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर प्राइस लो हो ये जरूरी नहीं है. और सर कभी कभी मोनोपोली को भी जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न ना, अब अमेज़न सब ले जाएगा तो एक मोनोपोली मार्केट हो जाएगा ना पूरा सर. तो मतलब मेरा पॉइंट इसमें ये भी है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका शेयर प्राइस लो हो ऐसा जरूरी नहीं है. बट सर ऑन एन ऑफ नोट जैसे कि जब कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है तो दे ऑल्सो गेट अ से इन कि कंपनी का क्या होगा ना, जैसे कि अगर मेजर शेयर होल्डर हो ऐसा होता है. ऐसा नहीं है, जैसे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं जैसे मान लो कि ऐसा होता है कि 100% शेयर्स है तो आप खरीदते हो ना मार्केट से, यू कैन नेवर बाई 20% ऑफ द शेयर है ना. वो कंपनी शेयर रिलीज और एक आदमी को कभी इतने अमाउंट में शेयर देती ही नहीं है. 1% कैन नॉट बाय 20% ऑफ शेयर फ्रॉम द मार्केट. बीच में एक ऐसी कहानी हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, लंदन का एक बिजनेसमैन थे मतलब इंडियन ओरिजिन के ही, दे स्टार्टेड बाइंग ही स्टार्टेड बाइंग शेयर्स ऑफ मेनी इंडियन कंपनीज इन बिग अमाउंट. और उस समय ऐसा कोई सेबी का रूल नहीं था कि रिस्ट्रिक्ट करे किसी को शेयर खरीदने से, और अगर एक अमाउंट तक के बाद अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपके कंपनी की डिसीजन में सही हो जाता है. लेकिन अगर आप जैसे मान लो कि तुमने किसी कंपनी का 10,000 शेयर खरीद लिया तो आपका कोई से नहीं रहेगा. वो ऐसे शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स मतलब जैसे होता है ना कि वो इक्विटी शेयर्स या डिविडेंड वाला जो शेयर होता है वैसा बोलते हैं. वो आपका वो नहीं है मतलब पार्टनरशिप शेयर नहीं है कि आप उसमें डिसीजन मेकिंग में बोलो. इनफैक्ट अब तो जो कंपनी होती है ना नई नई उसमें तो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. इनफैक्ट जो तुम देखोगे ना कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के पास 26% से कम शेयर है अपनी कंपनी का, एंड रिलायंस की अंबानी का तो रिलायंस के शेयर में मतलब कितना मतलब बहुत कम है. बड़ी बड़ी कंपनी का ना 4-5% कई बार शेयर होता है उसके मालिक का. टाटा और मिस्त्रीज का भी यही है, मिस्त्रीज के पास 18% है. टाटा तो हां 18 है और इवन पल्लन जी हैज हायर शेयर देन टाटा इन टाटा. तो तब जब उसमें क्या होता है कि जब 20% से सबका ही कम है, 20% से भी कम हो गया तब बोर्ड होती है और बोर्ड ही डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, उसमें तो कई बार होता है कि जो सबसे अर्ली ओनर होता है उसको भी लोग बाहर कर देते होंगे. तुमने कहानी सुना होगा कि स्टीव जॉब को उसके बोर्ड ने ही बाहर कर दिया था. बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं मेजर शेयर होल्डर्स वो वोट नहीं करते कि बोर्ड पे कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेजर शेयर होल्डर्स डिफाइन करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ परसेंटेज डिफाइन होता है कि इससे ऊपर पे ही आपका से होगा. अच्छा, जो हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट से उससे हमें ऐसे राइट्स नहीं मिलते. तो अच्छा अब ये नेक्स्ट करते हैं हम.
लाल एंड सन्स ये तो हो गया, ये तो हमने पढ़ी लिया है। केस ये है कि सम ऑफ द सीनियर एम्प्लॉइज हु लेफ्ट लाल एंड सन्स इन रिसेंट पास्ट हैव कंप्लेंट दैट सुदर्शन कंप्लेंट टू सुदर्शन दैट द लॉन्ग चेरिस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज रिस्पेक्ट टू एल्डर्स जॉब सिक्योरिटी इट इज सी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सुदर्शन को सीधा सीनियर्स जो छोड़ के जा रहे थे उन्होंने कंप्लेन किया कि जो बहुत पहले से ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू थी, चेरिस्ट वैल्यू थी, विच इज रिस्पेक्ट टू एल्डर्स जॉब सिक्योरिटी एटीसी हैज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इफ ट्रू विल इंडिकेट टू सुदर्शन दैट एम्प्लॉइज आर मिसलीडिंग हिम। ध्यान रखना ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है या चीज सही है जिससे सुदर्शन को पता चलेगा कि जो एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहे हैं ना, जो सीनियर एम्प्लॉय छोड़े हैं, वो जो कंप्लेन कर रहे हैं वो कंप्लेन ही गलत है। ध्यान में समझ में आ रहा है कि आप क्या खोज रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो नाउ द ऑप्शन हम पढ़ते हैं। द रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज हैव बीन एवरेज परफॉर्मर फॉर मेनी इयर्स। When senior employees were assigned to the lead challenging but critical positions in the organization, they resigned. The senior employees were replaced by people below them and not from outside the organization. The replaced senior employees had only 4 more years to service, were not compensated for the premature termination. The number of senior employees voluntarily leaving the organization is lower than the industry average. Batao. Sir, B. Aur batao, aur socho, sab log socho. किसी और के पास कोई ऑप्शन है इसके लिए? बोलो। नहीं लग रहा है सर। बी। और कोई? जस्ट एक आउट ऑफ द वो कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं, तुम ज्योमेट्री की क्लास फॉलो करना, ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2, ज्योमेट्री 3, ज्योमेट्री 4 होगा अभी 3-4, और जैसे ही ये खत्म होगा हम ज्योमेट्री के एडवांस लेवल का क्लास हम रखना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थमेटिक से ज्योमेट्री इंडिपेंडेंट है, तो अर्थमेटिक्स अपना पैरेलल चलेगा, ज्योमेट्री अपना अलग से चलेगा। तो जो भी बच्चे हैं, चांदनी, आयुषी, सीता, तुम लोग सारा ना ज्योमेट्री वाला, और वो चारों रिकॉर्डेड भी है, अगर तुम देखोगे ना तो जो मैंने क्लास लिया है वो भी उस पर 4 लेक्चर रिकॉर्डेड है, साहिद सर का भी ऑलरेडी 4 लेक्चर रिकॉर्डेड है, और ये अभी जो हो रहा है सो हो ही रहा है। तो इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू द क्लास या आपको टाइम नहीं मिलता तो मेरे वाले 4 लेक्चर भी देख के उसको कवर कर सकते हो, और सीट तो तुमको पता ही है कहाँ पे है ज्योमेट्री का भी। इस सीट्स में हमने ऐसा पार्ट कर दिया था, मैंने ये टिस्नेट ज्योमेट्री के लिए अलग से कर दिया था, ये बेसिकली इसी में से निकाला हुआ है। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करो या फिर आप सीधा ही इसमें से लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करना शुरू कर दो। ठीक है, टिस्नेट वाला ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बताओ भाई, इसमें और किसी के पास है कोई ऑप्शन? नहीं सर। बोलो सर। आई डोंट नो सर, मे बी ई, आई डोंट नो, ए और ई में कलर कंफ्यूजन है। तुम्हारे पास ए और ई में कंफ्यूजन है?
और कोई? बोलो प्रतीक्षा, तुम बोलो। सर आई गेस सी होगा। तक कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक बार फिर। किसमें 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 कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार पढ़ लो सर, आई विल टेल यू। पढ़ो। सर बी लग रहा है। तो चलो ए वाला बताओ, तो ए क्यों सोच रहे थे? तो मे बी बिकॉज रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज वो तो वैसे भी एवरेज परफॉर्मर्स थे, एंड इसलिए बेसिकली मे बी इसीलिए उन्होंने वो कंप्लेन कर दिया जब उनको निकाला गया। तो मे बी आई डोंट नो सर। अच्छा नहीं, मतलब इसमें जैसे इसमें निकाला गया तो जो कई सारी चीजों के बारे में ये जो बोल रहे हैं है ना, जॉब सिक्योरिटी और उस पे, तो जैसे अगर अगर एवरेज परफॉर्मर थे लेकिन तब भी उसको निकाल दिया गया तो जॉब सिक्योरिटी वाली बात मिसलीडिंग नहीं रही ना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो निकाला जा रहा है वाला टाइप से बात हो गया है ना, कि जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि अगर एवरेज परफॉर्मर थे तो वो रिजाइन भी क्यों किए, निकाला तो नहीं गया ना उनको। सेकेंड वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको अब काम कराने बोला जा रहा, काम करने के लिए बोला जा रहा है, चैलेंजिंग रोल लेने के लिए बोला जा रहा है, क्रिटिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए बोला जा रहा है, और नाउ दे आर रिजाइनिंग। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं जॉब सिक्योरिटी की बात या रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स की बात, तो ये गलत है ना। यू आर सीनियर, दैट डजंट मीन कि आप वहीं पे बैठ के वीआरएस ले लोगे कंपनी के अंदर ही। यस सर, है कि नहीं? इसलिए बी इसका क्लियर कट ऑप्शन था। बाकी जैसे हाँ कि ये सबसे कोई वैल्यू, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें मिसलीडिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, तो बी ही इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है सर, अब इसका ही खत्म कर देते हैं लाल वाला, फिर तुम लोग इसको कंप्लीट करना दोबारा। ये है छगन लाल झा, अब सीईओ पे बात आ रही है, देखना। वाज सर्टेन दैट समवन इन हिज लीडरशिप टीम वाज लीकिंग इंफॉर्मेशन टू सुदर्शन लाल well before छगन लाल communicated, ठीक है? तो जैसे ये छगन लाल है, सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर है ना, तो कोई इंफॉर्मेशन है तो वो छगन लाल के पास आने से पहले सुदर्शन के पास चला जाता है, ये छगन लाल को पता चला। तो given the following option, how best should छगन लाल respond to this situation? ऐसे सिचुएशन को छगन लाल बेस्ट वे में कैसे उसको डील करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा? ठीक है, इसको पढ़ो और बताओ। फर्स्ट है, छगन लाल शुड रिक्वेस्ट सुदर्शन टू काइंडली वेट फॉर हिम टू कम्युनिकेट एज इनफॉर्मल सोर्सेस। छगन लाल शुड काइंडली वेट फॉर हिम टू कम्युनिकेट एज इनफॉर्मल सोर्सेस में लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन। छगन लाल शुड कंप्लेन अबाउट दिस टू सुदर्शन एंड थ्रेटन टू resign. Chagan Lal should request his team to continue passing information since it brings down the communication barrier. Chagan Lal should understand that this is bound to happen and should not bother. Chagan Lal should threaten his team that one of them will be fired by the weekend if this practice of passing information does not stop immediately. Batao bhai. Chuno option select karo aur batao. सर ए सर ए सर इसमें ऑब्वियसली यही होगा
क्योंकि रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर वेरी इम्प्रैक्टिकल है ना, कि ये रिटर्न टू रिजाइन या फिर ये कंटिन्यू पासिंग नहीं, मतलब ये बिल्कुल बकवास हो गया. So ये भी बिल्कुल बकवास है, because if he'll not take care of this, this can create a big problem in future. Chagan Lal should threaten his team, और ये तो होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो बचता आपके पास ए ही है, जिसमें वो सुदर्शन को ही कम्युनिकेट करके बोले है कि आप इन्फॉर्मेशन से बचिए, है ना, दे मे मिसलीड हिम. ठीक है, तो अब इसके बाद तुम लोग जैसे देखो, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रोज एक नया पेपर करें, हो सकता है कल इसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें भी बहुत क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो ये हाँ एक बार 39 वाला बता दो. 39 टेबल है, उसमें रीड कैसे करनी है बताता हूँ मैं, तो पहले क्यों नहीं पूछा आप? हाँ, इसमें मुझे डाउट है. ये पिछली बार किया तो था शायद हमने, इसमें नहीं किया नहीं था सर, इसमें बस टाइमिंग देखनी है सारी ट्रेन्स की जमशेदपुर से खड़गपुर. चलो एक बार देखते हैं ना. अ कुरियर सर्विस हैज ऑफिसेज एट 3 लोकेशन, जमशेदपुर, खड़गपुर एंड हावड़ा. इट्स एम्प्लॉइज ट्रेवल बाय ट्रेन्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड पिक अप द डिलीवरी एंड टेक्स 40 मिनट्स फॉर एम्प्लॉई टू ट्रेवल फ्रॉम एनी रेलवे स्टेशन टू नियरेस्ट ऑफिस. Another 40 minutes to come back. 80 minutes का हो गया, 1 घंटा 20 मिनट का. The paperwork to deliver the parcel at the representative office take an additional 10 minutes. 10 minute और लेता है, 90 minutes का वो हो गया. Assume employee do not waste any time. Employees have the option to choose from any of the trains whose timetable is given below. Assume all the train travels on time. There is no time gap between the arrival and departure of the train. Further assume that the employee boards the train as soon as it arrives the station. मतलब कहीं कोई time waste नहीं है. Train number है, 5 train है, जमशेदपुर, खड़गपुर, हावड़ा से ये निकलते हैं. ये कैसे होगा? जमशेदपुर से खड़गपुर गया, खड़गपुर से हावड़ा गया, फिर वही ट्रेन हावड़ा से खड़गपुर, खड़गपुर से जमशेदपुर वापस आई. ठीक है, ऐसे 5 ट्रेन हो गए. तो अब पूछता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ पार्सल एट खड़गपुर ऑफिस फ्रॉम जमशेदपुर स्टेशन एंड कम बैक टू जमशेदपुर स्टेशन. तो जैसे खड़गपुर जमशेदपुर से खड़गपुर, जैसे ये टाइम देखो तुम्हारा, ये 1.5 घंटे का टाइम है. ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक 7:30 मतलब 6 बजे से लेके 7:30 तक हुआ, इसमें 1.5 घंटे तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा, है ना, वो 10 मिनट का पेपर वर्क, 40 मिनट जाने पर 40 मिनट आने का, तो यहाँ इसका बच गया 9. ठीक है, अब खड़गपुर में इसको ये ट्रेन नहीं मिलेगी वापस जमशेदपुर आने के लिए. ठीक है, तो वापस जो है इसको जो लीस्ट टाइमिंग का जो ट्रेन मिलेगा वो 10:40 वाला मिलेगा. तो 10:40 वाला मिलेगा तो फाइनली ये आ पाएगा आपको 12:35 में. ठीक है, तो 6 बजे का निकला हुआ वो 12:35 में आएगा. ट्रेन टू में देखो, ट्रेन टू में 7:30 में वो स्टार्ट कर रहा है, 9:05 में पहुंचेगा. सर, हाँ, इसमें वो भी तो टाइम इंक्लूड करना है, 40 मिनट 10 मिनट हो किया ना. ये जैसे देखो, ये 7:30 तक था ना. हाँ, तो 7:30 के बाद 9 बजे तक का तो हमने वो वही टाइम इंक्लूड किया ना वो. अच्छा, हाँ, वो 90 मिनट. लेकिन 9 बजे तो मिलेगा नहीं ना इसको, ये पुराना वाला ट्रेन, वही वाला ट्रेन. तो जो जो अर्लीस्ट ट्रेन है वो 10:40 वाला उसको मिलेगा. ठीक है ना, तो वो मैंने कर लिया. तो अब हम दूसरे ट्रेन पे बैठाया उसको, तो वो 7:30 में खुला, 9:05 में पहुंचा, 9:05 के बाद फिर से 1.5 घंटे लगा लो, तो 10:35 तक तो ऐसे हो गया. अब 10:35 में उसको 10:40 वाली ट्रेन मिल जाएगी, है कि नहीं? तो 10:40 वाली ट्रेन मिल जाएगी, तो ये 12:35 तक पहुंच जाएगा अपने. तो हमको लगता है यही सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए. हाँ, 5 घंटे 5 मिनट. हाँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, ये 10:35 से मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा. बाकी सब में हमको लगता है कि थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे 10:15 से 12:05
दस पंद्रह से बारह पांच और बारह पांच से एक पैंतीस तो ऐसे भी हो जाएगा है ना, मतलब इसको तेरह पैंतीस बोलो, तेरह पैंतीस तक तो हम ऐसे भी हो गए। तेरह पैंतीस के बाद ये ट्रेन मिलेगा नहीं इसको, फिर चार बजे वाला लेना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे भी नुकसान चला गया। ये टी फोर में अगर ये तीन बजे स्टार्ट करेगा, अक्षी समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ये सर आ गया, अब मैं कर लूंगी, मतलब कर लोगे ना? हाँ, हाँ, मैं कर लूंगी। तो ये बस यही ध्यान देना था इसमें, फिर भी एक बार ये देख लेते हैं। तीन है ये तो जाने में ही लगा दिया, चार पचास, चार पचास हो गया, मतलब सॉरी हाँ चार पचास हो गया, चार पचास के बाद डेढ़ घंटा और ऐड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा पंद्रह। इसका आंसर बी होगा ना, जो सेकंड निकला, फाइव। हाँ, यही वाला है सर। ट्रेन फाइव तो वैसे भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि छह पच्चीस पे पहुंचेगा और उसके बाद तो ट्रेन ही नहीं है कोई। हाँ तो अगले दिन ही आना पड़ेगा उसको। हाँ। ये वाला बस केवल देख रहे थे हम कि तीन बजे से चार पचास निकला, चार पचास के बाद डेढ़ घंटा करोगे तो छह बीस हो जाएगा, और ये छह बीस में इसको फिर ट्रेन ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वही होगा, आठ बजे उसको मिलेगा फिर नेक्स्ट ट्रेन, तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी इसको कंप्लीट करेंगे।